Hello, good evening students. This is the science period of the class 6 and chapter number 1, food, where does it come from? Okay students, and आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी एंड डोंट बी स्किप्ड. आप ना तो कोई भी स्पेस करके छोड़ेंगे और इसे पूरी फुल्ली नोट्स बनाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया. और कल आपको कोई भी मैसेज नहीं दिया, आपको सिर्फ जैसी वीडियो डाली जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे वीडियो एंड लाइक करेंगे, क्लियर हो गया. आपका पहला टॉपिक होता है फूड. व्हाट इज मीन्ड बाय द फूड, यानी कहने का मतलब आप लोगों के घर में जैसे आपने सुबह मॉर्निंग में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, ये डिपेंड करता है कि, ठीक है. तो फूड, व्हाट इज मीन्ड बाय द फूड, हम फूड किसे कहेंगे. द ऑल थिंग्स विच गिव्स अस एनर्जी. आपने खाना खाया सुबह, सपोज दैट आपने मिल्क पिया एंड कुछ ब्रेड पिया, ब्रेड खाया, तो मिल्क और ब्रेड खाने के बाद आपको क्या आया, एनर्जी आई. एंड उससे क्या हुआ, आपने फिर डूइंग, आपने बहुत सारी एक्टिविटी वर्क की, वर्क प्ले किया, जैसे क्या है, आपने गेम किया या फिर कोई मामा के साथ हेल्प किया या पापा के साथ हेल्प किया, कुछ भी हो, और फॉर डूइंग अ वेरियस वर्क. यानी कहने मतलब फूड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑल थिंग्स विच गिव्स अस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस वर्क, क्लियर हो गया. तो हम उसे क्या कहेंगे, फूड कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा, फूड. अब फूड हमारा बनता किससे है, है ना. फूड मेड बाय द वेरियस आइटम आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स. ये यानी कहने में डेफिनेशन आएगी, इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन क्या है, जितनी भी चीज़ हम खाने में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सपोज द रोटी बनाने के लिए, या रोटी कहें या चपाती कहें, उसको बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, आटा यूज़ करना पड़ता है और वाटर यूज़ करना पड़ता है, क्लियर हो गया. तो ये दोनों, ये रोटी के लिए क्या है, ये इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, आटा एंड वाटर. अब जैसे दाल, अब दाल बनाने के लिए मम्मा क्या यूज़ करती हैं, पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी या स्पाइस, क्लियर हो गया. इन चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों के घर में क्या होता है, ये इंग्रेडिएंट से आप दाल बना सकते हैं. अब जैसे क्या है, आपके यहाँ ढोकला बने या फिर आपकी बहुत सारी एक्टिविटी थे, डोसा है या फिर ढोकला है या फिर आपके पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है व्हाटएवर, आप उसे बनाने के लिए क्या क्या आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो सारे आर्टिकल आपके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं बेटा, इंग्रेडिएंट्स, क्लियर हो गया. एंड अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. फूड मटेरियल्स, अब फूड हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, हम किस किस से हम फूड को इकट्ठा करते हैं, क्लियर हो गया. तो ये फूड मटेरियल्स कहलाते हैं. अब फूड हम मिल लेते हैं कहाँ से, वी गेट फूड मटेरियल्स बाई टू वेज. हम दो तरीके, दो रूप में फूड लेते हैं. पहला क्या है, प्लांट से लेते हैं और दूसरा एनिमल से. प्लांट से, प्लांट कैसे लेंगे, वी गेट द फूड फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ देयर प्लांट्स एज वेल एज इन देयर प्रोडक्ट, एज वेल एज देयर प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का मतलब समझ नहीं रहे होंगे आप लोग, है ना. तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे एक पेड़ पर, पेड़ से हम क्या कर लेते हैं, पेड़ से या तो हम पेड़ को पूरा खा लें, जैसे आपने स्पिनच हुआ, है ना, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे थे जिसके हम पूरा पूरा ईटेबल करते हैं, या उसके आर्टिकल, जैसे आपने क्या मैंगो के पेड़ को पूरा खा लेते हैं, नहीं ना, तो मैंगो के पेड़ का सिर्फ फ्रूट खाते हैं, किसी के सीड्स खाते हैं, किसी के स्टेम्स खाते हैं, किसी के लीव्स खाते हैं, किसी के फ्लावर खाते हैं, क्लियर हो गया. ये सारे आर्टिकल हमारे क्या कहलाते हैं, ये दिया प्रोडक्ट कहलाते हैं, क्लियर हो गया. ये सुनो, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके, जैसे प्लांट से प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, प्लांट के जैसे रूट से हम रूट कौन कौन से काटते हैं, कैरेट खाते हैं रूट की, और स्टेम्स कौन कौन सी, क्लैरी है, जैसे एक टाइप की साग होती है, सब्जी होती है, जिसे अजमोद बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, अजमोद. लीफ, हम लीफ के रूप में हम क्या खाते हैं, कैबेज है, स्पिनच है. एंड फ्लावर के रूप में हम क्या खाएंगे, कली फ्लावर, ब्रोकली वगैरह एक्सेट्रा. एंड सीड के रूप में हम क्या खाएंगे बेटा, पी है, वीन है, एक्सेट्रा. अब एनिमल्स का भी तो खाते हैं हम, हमें एनिमल्स से, जैसे सुबह मॉर्निंग में अगर किसी को दूध पीते हैं, कोई कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है बेटा, तो एनिमल्स, वी गेट फूड फ्रॉम द एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर फ्लैश एंड देयर प्रोडक्ट, एग्स, मिल्क, हनी एक्सेट्रा, एग्स, मिल्क, हनी, ठीक है. प्रोडक्ट आपके कौन कौन से देगा, अब एनिमल्स में प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, या तो वो दूध देगा, या वो अंडे देगा, या हनी बनाएंगे. हनी कौन बनाता है, हनी वी, क्लियर हो गया. एनिमल्स, एनिमल्स, अब जैसे इनके भी प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से हम आइटम खाते हैं, किस किस से एनिमल्स है, जैसे काओ और बफेलो से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. अब मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, जैसे आपके घर में मिठाई भी बन सकती है, आप दूध भी, दूध के से हम आर्टिकल बहुत सारी एक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है. दही है, मट्ठा है, एक्सेट्रा, ठीक है. अ हैन या डक,
हैन और डक से हमें क्या मिलता है, एग मिलता है और उसका मीट मिलता है। और वी वी क्या करती है, सिर्फ कलेक्ट करती है हनी हनी को, ठीक है, जिसके द्वारा हम वो हनी अपने हिप्स में रख लेती है और वो हनी हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ में हो चाहे हम अपनी वेरियस एक्टिविटी में यूज़ कर सकते। क्लियर हो गया? अब आता है बेटा दूसरा पार्ट आपका, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर ईटन बाय द ह्यूमन बींग्स। जितना भी पार्ट हम खाते हैं या ह्यूमन बींग्स के द्वारा खाया जाता है वो ईडिबल पार्ट कहलाते हैं। क्या ईडिबल पार्ट होते हैं, यानी कि ईडिबल पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका अभी मैंने बताया लीव्स थे, फ्लावर्स थे, सीड्स थे, रूट्स थे। लीव्स कौन से खाएंगे, स्पिनच। और फ्लावर किसके खाएंगे, कॉलीफ्लावर। सीड किसके खाएंगे, पी का। और रूट किसका खाएगा आप, कैरेट के। क्लियर हो गया? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्प्रोइड सीड। स्प्रोइड सीड के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे शायद, कोई बात नहीं, आपको स्प्रेड शीट के बारे में बता दूँ। जो जैसे क्या, हमने एक चने की दाल, आप एक्टिविटी कर भी सकते हैं, आपने क्या करा, थोड़े से चने, साबित चने लेंगे, ठीक, के लिए अब उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉटन में दबा के रख देंगे और कॉटन को क्या करेंगे, बिल्कुल बैट कर देंगे, भिगो के रख देंगे। भिगो के रखने के बाद अगले दिन इसे ओपन करके देखना, और ओपन करके देखेंगे तो आपको जैसे एक सीड ये रखा है, सीड, अब सीड में से थोड़ी सी वाइट कलर का एक आपको स्टेम्स दिखाई नहीं, स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा, यही आपको पूरा स्ट्रक्चर क्या कहेगा, स्प्रोइटेड सीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्प्रोइटेड सीड। क्लियर हो गया? सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन वी कीप द सीड इन टू इन वेट और वार्म प्लेस, हम वेट और वार्म प्लेस, देन अ वाइट कलर स्ट्रक्चर ग्रोन फ्रॉम द सीड्स द then those seeds are called sprouted seeds। क्लियर हो गया बेटा? हाउ द हनी वी फॉर्म्स द हनी। अब हम लोगों ने बात करी थी अभी ही हनी से बेटा, कि हमें मधुमक्खी से सिर्फ हनी मिलता है, लेकिन वो बनाते कैसे हैं। द हनी वी कलेक्ट द नेक्टर, वट इज मीन बाय द नेक्टर, आप जानते होंगे शायद, और नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर, ठीक है बेटा, द स्वीट, सबस्टेंस विच आर कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर वाय द बीज। क्लियर हो गया? जितनी भी मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करेगी, एक फ्लावर है, उस फ्लावर के यहां पे छोटे उस लीफ निकाल दी। अब यहाँ मधुमक्खी आई या बटरफ्लाई आती है तो क्या करती है, सक करती है इसके। अब नेक्टर आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्वीट टाइप का सब्सटेंस है इसमें, नेक्टर टाइप में पड़ा होता है, वो उसे कलेक्ट करती है, और उसे कलेक्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट करती है किसमें, कलेक्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट करती है हनी में। किसमें कन्वर्ट करती है, हनी में, और उसे ही अपने हिप्स में रख लेती है। हिप्स, व्हाट डू मीन बाय हिप्स, हिप्स इज द छत्ता, इसे हिंदी में छत्ता बोलते हैं, या होम ऑफ द वीज, क्या कहेंगे, होम ऑफ वीज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा, वी कैन डिवाइड द एनिमल्स इन टू द थ्री कैटेगरी। अब ना हमने कैटेगरी डिवाइड क्यों कर दी, हमने कैटेगरी डिपेंड करती है जैसे जैसे उनका खाने का नेचर था उसी के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स भी डिवाइड कर दिए। पहला एनिमल्स किस में डिवाइड किया, हर्बीवोरस, और दूसरा एनिमल्स किस में डिवाइड किया, कार्निवोरस, तीसरा एनिमल्स किस में डिवाइड किया, ओमनीवोरस। तो पहला हमने हर्बीवोरस में डिवाइड किया, हर्ब, हर्ब का मतलब होता है क्या बेटा, हर्ब का मतलब होता है ग्रास। क्या कहलाएंगे, दोज एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट से फिर समझ गए होंगे, यानी इससे बनने वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे, जैसे प्लांट में, प्लांट से क्या मिलेगा, सीड्स मिलता है, फ्लावर मिलता है, लीव्स मिलता है ना, और यही स्टेम्स वगैरह मिलते हैं, तो इनके प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट खाने वाले होंगे वो हर्बीवोरस कहलाएंगे। अब कार्निवोरस में जो दोज एनिमल्स हु ईट ओनली एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। अब एनिमल्स प्रोडक्ट अभी मैंने समझाई थी बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया? अब ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, ओमनीवोरस दोज एनिमल्स हु ईट प्लांट एनिमल्स बोथ एंड देयर प्रोडक्ट आल्सो। इन या तो प्लांट को भी खाते हो एंड एनिमल्स को भी खाते हो, और क्या करते हो, और उनके प्रोडक्ट को भी खाते हैं, जैसे प्लांट का प्रोडक्ट खाएं या एनिमल का भी प्रोडक्ट खा सकते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं, अब ऐसे कौन से हैं, जैसे आपका आपने देखा ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है,
या फिर आपका कौन सा हो गया, डॉग हो गया, डॉग भी तो ले सकते हैं, डॉग भी तो आपने देखा, डॉग को अगर आप रोटी डाल देंगे तो डॉग रोटी भी खा लेगा, अगर उसको मीट डाल दें तो मीट भी खा सकता है। अब कार्निवोरस में सिर्फ और सिर्फ लाइन, टाइगर एक्सेट्रा आएंगे, हर्बिवोरस में आपका कौन आएगा, गॉड काउ एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना है होमवर्क में, आपको एक लिस्ट बनानी है, इसमें 10 10 ml फॉर्म करेंगे हर्बिवोरस, अपने नियर में जितने भी हर्बिवोरस पाए जाएंगे, कार्निवोरस कौन कौन से आपने आपकी थिंकिंग में है, ओमनिवोरस कौन कौन से हैं, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और याद रखना शेयर भी कर देना, जिससे स्टूडेंट्स को नहीं भी मिल पा रही है तो उसे शेयर करते रहें, क्लियर हो गया। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रीजन क्या है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो अपने आप किस कभी भी देखनी जरूरत है, शाम के टाइम 5 o'clock के आफ्टर देन आपको वीडियो मिल जाएगी, क्लियर हो गया, पर डे पर वीडियो, ए वन वीडियो, क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, या मेरा नंबर आपने आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट होता है, क्लियर अगर डाउट है तो मुझसे कंसल्ट करें और क्लियर कर सकते हैं, क्लियर हो गया, बाय बेटा।